हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरी एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है चांदनी। चांदनी कौन है? चांदनी बेसिकली एक बकरी का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। जो अबू खान था वह बकरियों को एक पालतू जानवर के रूप में रखा हुआ था। ठीक है, He loved his goats। वह अपने बकरियों से काफ़ी प्यार करता था। But लेकिन they left him one by one। लेकिन जो वो बकरियाँ थीं उस अबू खान को एक एक करके छोड़कर चली गई। ठीक है, He bought a young pretty goat। He bought, bring means लाना, bought क्या है, एक सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, bring का, तो he bought यानी उसने लाया a young pretty goat यानी एक छोटी सी बकरी। ठीक है, And called her चांदनी और उसको चांदनी के नाम से बुलाता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। यानी एक समय की बात है, अल्मोरा एक जगह का नाम है। ठीक है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। वह अबू खान के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, ही लिव्ड All alone except for a few goats which he always kept as pets। ठीक है, वह ज़्यादा अकेले रहना पसंद करता था अपने बकरियों को छोड़कर। ठीक है, उसके पास सिर्फ एक बकरियाँ रहती थी। ठीक है, और वह अकेले रहता था बकरियों के साथ। ठीक है, He gave his goats funny names such as, वह अपने बकरियों को काफ़ी फनी नेम दिया हुआ रहता था। ठीक है, या अपने बकरियों काफ़ी फनी नेम से बुलाता था, जैसे कि कलुआ, मुंगिया और गुजरी। ठीक है, इन सारे नामों से अपने बकरियों को वो बुलाता था। इसके बाद क्या होता है, ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे। यानी ही वुड टेक देम यानी वो ले जाता था आउट फॉर ग्रेजिंग मतलब बाहर की ओर, ग्रेजिंग मतलब बकरी को चराने के लिए। ठीक है, वो बकरियों को चराने के लिए बाहर ले जाता था। ठीक है, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के समय, एंड और टैग देम एज वन टॉक्स टू वन्स ओन चिल्ड्रेन, और उन बकरियों से इस तरह बातें करता था अबू खान कि जैसे उसके खुद के बच्चे हों। ठीक है, एट नाइट यानी रात में, ही वुड ब्रिंग देम बैक। रात में क्या होता था, दिन भर जब बकरियां चरती थी तो वो रात में उनको वापस अपने घर ले आता था। ठीक है, टू हिज लिटिल हट यानी वो अपने छोटी सी झोपड़ी में उनको वापस ले आता था जब वो रात हो जाती थी चराते चराते। ठीक है, एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड। स्ट्रिंग राउंड मतलब क्या होता है, एक रस्सी होता है जो किसी के गले के चारों तरफ क्या होता है, रखा जाता है या उसको बांध कर रखना होता है। ठीक है, स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और वो क्या करता था, जब बकरियां घास चर कर शाम को लौट आती थी तो सारे बकरियों को वो उसके गले में क्या बांधता था, एक रस्सी से बांध देता था। ठीक है, ताकि वो कहीं भाग ना जाए। ठीक है, पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। जो अबू खान था बेसिकली काफ़ी क्या था, पुअर था यानी उनके विचारों को जानने में असमर्थ था। बकरियों के बारे में वो काफ़ी पुअर था यानी उसके बहुत कम नॉलेज थी। ठीक है, वेरी ऑफ्टेन एट नाइट वन ऑफ द गोट वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। ठीक है, एक रात क्या होता है, जल्द ही एक रात क्या होता है, एक बकरी होती है वह अपने रस्सियों को खींचती है। ठीक है, खींचती रहती है, खींचते खींचते क्या करती है, टिल इट ब्रोक लूज यानी वो टूट जाती है रस्सियाँ। ठीक है, एंड देन वुड डिसअपीयर्ड इन द हिल्स बियॉन्ड, और वो पहाड़ियों के उस पार क्या हो जाती है, गायब हो जाती है या चली जाती है। ठीक है, गोट्स इन हिली रीजंस, हिली रीजंस मतलब क्या होता है, जहाँ पर पहाड़ी एरिया हो। ठीक है, जहाँ चारों तरफ पहाड़ ही दिखता हो उसको हम बोलते हैं हिली रीजंस। ठीक है, हेट बींग टाइड टू ट्रीज आर पोल्स। जो उसके पास अबू खान की बकरियां थी वो काफ़ी नफरत करती थी उनके गलों में फंदे रखना या रस्सियां से बांधे हुए रहती थी, तो उसको काफ़ी बुरा लगता था। ठीक है, दे लव देयर फ्रीडम, वे अपने आज़ादी से काफ़ी प्यार करती थी। बकरियां भी सोचती थी कि मुझे भी आज़ादी मिले, मैं अपने मन से जहां चाहूं जहां जा सकूं। ठीक है, अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, यानी अबू खान की जो बकरियां थी बेसिकली हिल ब्रीड थी। ब्रीड मीन्स होता है नस्ल। ठीक है, यानी पहाड़ियों में रहने वाली नस्ल यानी पहाड़ियों में रहने वाली बकरियां थी। ठीक है, दे टू लव देयर फ्रीडम, वे भी काफ़ी प्यार करती थी अपने फ्रीडम को लेकर मतलब अपने आज़ादी को लेकर। बकरियां जो अबू खान के पास बकरियां थी वो सोचती थी कि मुझे आज़ादी से रहने का हक है। ठीक है,
मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ। तो वो सब ऐसा मतलब वो रस्सी में रहना नहीं पसंद करती थी, ठीक है। सो इसलिए वेन यू दे गॉट अ चांस, जब भी वे या उनको चांस मिलता था, दे वुड रन अवे, रन अवे मतलब वे दे वुड रन अवे, वो भाग जाती थी, ठीक है। ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड फूल लिव्ड इन द हिल्स, और वहाँ से जब भाग जाती थी अबू खान के झोपड़ी में से, जब वो बकरियाँ भाग जाती थी पहाड़ियों एरियों के पास, ठीक है, तो उस पहाड़ी एरिया में एक वॉल्फ, वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया, एक भेड़िया रहता था और वो भेड़िया उन सारे बकरियों को खा जाता था, ठीक है। वेन ईवर जब भी वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपीयर्ड, जब भी डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो जाना, ठीक है, जब भी उन सारे बकरियों में से एक या दो बकरियां गायब हो जाती थी, अबू खान वास वेरी सैड, जो अबू खान होता था वो काफ़ी दुखी हो जाता था, ठीक है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाता था व्हाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम, यानी जो मैं काफ़ी अच्छे ग्रास घास और अनाज उनको देता हूँ, एंड ऑल द लव दैट और वो अच्छे तरह से खाती भी हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, सवर्ड ऑन देम वुड नॉट स्टॉप दिस अनफॉर्चुनेट गोर्स, ठीक है, यानी इस तरह की जो यहाँ पर चलती रही, ठीक है, इस तरह से जो दशा थी अबू खान के, मतलब जो चीज़ें घट रही थी अबू खान के साथ, जैसे कि उनकी बकरियाँ उनको छोड़कर चली जा रही थी जब भी वो मौका पा रही थी, और वो चली जा रही थी तो वहाँ पे एक पहाड़ी एरिया में एक वॉल्फ यानी भेड़िया रहता था और उस बकरियों को क्या करता था, मारकर खा जाता था, ठीक है। तो इस तरह के अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण होता रहता था अबू खान के साथ। सो गोट्स रनिंग स्ट्रेट इन टू द जॉ ऑफ डेथ, यानी बकरियाँ जो थी जॉ ऑफ डेथ मतलब मौत के मुँह में चली जाती थी, ठीक है। आर दीज गोट्स मैड, ऐसा अबू खान कहता था, क्या ये बकरियाँ जो हैं वो पागल हो गई हैं, मतलब मौत के मुँह में अपने खुद भाग कर जा रही हैं, ठीक है। ही वॉन्डर्ड और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम्स, यानी ये पागलपन है या उनके आज़ादी, आज़ाद होने का एक खुशी है या प्यार है, ठीक है, ऐसा वह सोच रहा था कि मतलब आखिर में बकरियाँ क्यों जा रही हैं, ठीक है। बट लेकिन फ्रीडम मीन स्ट्रगल, लेकिन फ्रीडम क्या है, एक तरह से काफ़ी स्ट्रगल है बाहर की तरफ क्या करना, सर्वाइव करना, क्योंकि चारों तरफ क्या है, उस पहाड़ी एरिया में ढेर सारे भेड़ियाँ हैं, ठीक है। तो हार्डशिप इवन डेथ अबू खान कुडंट सॉल्व दिस मिस्ट्री, जो अबू खान के साथ इस तरह की घटना हो रही थी, इस तरह के रहस्य को वो सुलझा नहीं पा रहा था, ठीक है। तो आगे क्या होता है, वन डे, एक दिन क्या हुआ, वेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन क्या हुआ, जितनी भी बकरियाँ अबू खान के पास थी वह सारे बकरियाँ अबू खान को छोड़कर एक एक करके चली गई, वन बाय वन करके, ठीक है। अबू खान सैड टू हिमसेल्फ, अबू खान अपने आप से कहता है कि नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, आई मे इट लिव फॉर अ फ्यू ईयर बट आई विल विदाउट गोट्स, ठीक है। वो सोचता है कि नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, मतलब इस तरह से जिस तरह से मुझे बकरियां छोड़ कर जा रही हैं, अब इस तरह से कभी भी कोई मुझे बकरी छोड़ कर नहीं जा पाएगी, ऐसा वो सोचता अपने मन में कि मैं क्या करूं कि आज के बाद से कोई भी बकरियां मुझे छोड़ कर ना जाएं। आई मे एट लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स मोर, वो सोचता है कि मैं लगभग कुछ साल और जीऊंगा, ठीक है, बट लेकिन आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन मैं बिना बकरियों को जी लूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लॉनली, जब पुअर जो आदमी था ऐसा ठान लिया कि मैं अब बकरियों के बिना ही रहूँगा, ठीक है, बट जो वो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वह परेशान हो गया था अपने अकेलापन से, ठीक है। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट, यानी वह बिना अपने पालतू जानवर के मतलब कुछ भी नहीं कर सकता था, ठीक है, उसको ठीक भी नहीं लगता था, वो अच्छा फील नहीं महसूस नहीं करता था, इसलिए सोचा। वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट, यानी जल्द ही वो डिसाइड किया कि मैं एक बकरी को लाऊंगा, और वो एक यंग गोट मतलब एक बकरी की बच्ची को लाया, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, उसने सोचा जो यंग गोट है मतलब छोटी सी जो बकरी है वो मेरे साथ ज़्यादा दिन तक रहेगी, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सी विल सुन बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड, यानी वो ऐसा सोचता है अबू खान कि वो जो छोटी सी बकरी है वो मुझे जल्द ही प्यार करना शुरू कर देगी, जैसे कि वो फूड से प्यार करती है, मतलब भोजन से प्यार करती है, घास से प्यार करती है, ठीक है। आई गिव हर एवरी डे, और
फूड आई हैव गिव एवरी डे, यानी जो जो भी मैं फूड यानी भोजन मैं उस बकरियों को डेली देता हूँ उसी तरह से प्यार मुझको भी करेगी, ठीक है, जब वह मेरे साथ रहेगी, ऐसा वो बोलता है अबू खान, ठीक है। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, वह कभी भी पहाड़ियों में जाना पसंद नहीं करेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो अपने मस्ती के साथ हंसा, ठीक है, जॉय मतलब मौज के साथ वो हंसा। द न्यू गोट्स वॉज अ वेरी प्रेटी, जो नई बकरी थी, ठीक है, वह काफ़ी सुंदर थी, प्रेटी थी, ठीक है। सी वॉज व्हाइट एज स्नो, वो क्या थी, व्हाइट कलर की थी, एज स्नो मतलब बर्फ की तरह थी, ठीक है। एंड हैज टू लिटिल हॉर्न्स, और उसके पास क्या था, दो छोटे छोटे सिंग भी थे, ठीक है। हॉर्न मीन्स होता है सिंग, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, सिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। सो सी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैज टू लिटिल हॉर्न्स ऑन द लिटिल हेड, उसके सर पर दो सिंग भी थे, एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसके दो आंखें भी थी रेड कलर की, ठीक है। सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट, ठीक है, वह क्या थी, टेम्परेली वो एक तरह से फ्रेंडली बन गई थी। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और वो अबू खान की कहानियों को वो बकरी काफ़ी अच्छे से सुनती थी। एंड अफेक्शंस, अफेक्शन में असर डालना, ठीक है, इंटरेस्ट एंड अफेक्शंस, वह काफ़ी अफेक्शन से, ठीक है, वह कहानियों को सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उस छोटे से बकरी को चांदनी नाम दिया था, या चांदनी नाम से उसको बुलाता था, विच मीन्स मून लाइट, यानी चांदनी का मतलब होता है मून लाइट, ठीक है। ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड हु वर डेड एंड गॉन, यानी जो अबू खान था वो बेसिकली इस बकरी को क्या करता था, वो बताता था उस कहानियों के बारे में जो सारी बकरियां उसको पहले से छोड़ गई थी, ठीक है, उन सारे बकरियों के बारे में इस बकरी को कहानी बताता है, ठीक है। सर्वल ईयर पास, यानी कुछ साल ऐसी तरह बीतते गए, चांदनी वॉज स्टिल देयर, लेकिन जो चांदनी थी अभी भी अबू खान के साथ ही थी। अबू खान बिलीव दैट वह क्या करता था, बिलीव करता था, ठीक है, कि चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ हिल्स, वो सोचता था कि जो ये चांदनी है मुझे कभी भी छोड़ कर नहीं जाएगी उस पहाड़ी की तरफ, या उस मतलब फ्रेश हवा को खाने के लिए, ठीक है। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, ओके, हाय ये जो मिस्टेक था फिर से हो गया, ठीक है, अलास मीन्स हाय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, लाइक अदर गोट्स, दूसरे बकरियों की तरह चांदनी टू मिस्ट द हिल्स, यानी चांदनी भी क्या हो गई, वो भी पहाड़ियों में खो गई, ठीक है। ऐसा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन दिया है। सी टोल्ड अबू खान सी मस्ट हैव हॉट फ्रीडम, उस बकरी ने अबू खान से कहा कि मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वॉफ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, यानी द स्टोरी ऑफ डेंजरस वॉफ, जो डेंजरस खतरनाक भेड़िया था, ठीक है, इन द फॉरेस्ट जंगल में, डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, यानी चांदनी को जो बकरी थी उसको डरा नहीं पाया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्या होता है आगे। एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह चांदनी वॉच द हिल टॉप्स, हिल टॉप्स मीन्स क्या होता है, पहाड़ी के ऊपरी जो भाग होता है उसको बोलते हैं हिल टॉप्स। जो चांदनी बकरी थी वो रोज रोज क्या करती थी, हिल टॉप्स यानी पहाड़ के ऊपर देखती रहती थी, ठीक है। बाथ इन सनलाइट मतलब वो धूप में खड़ी रहती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, या ऐसा कहती थी कि वो जो पहाड़ है कितने सुंदर हैं। सी थॉट, वह इस तरह सोची, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लो थ्रू देम, यानी कितनी ठंडी ठंडी हवा वहाँ से उस पहाड़ के द्वारा क्या होता है, बह रहा है, ठीक है, या चल रहा है। एंड और हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, यानी कितना अच्छा लगेगा जब मैं उस ग्रीन फील्ड में क्या करूँगी, रन करूँगी या दौड़ेंगी, ऐसा वह चांदनी सोचती है अपने मन में। सी रन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद जर्क द रोप राउंड हर नेक, ठीक है। वह वहाँ पर भागकर जाना चाहती थी, पहाड़ी पर भागकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके गले में क्या था, रोप यानी रस्सी थी जो उसके गले में लगी हुई थी, और वो रस्सी क्या कर रहा था, उसको स्टॉप यानी उसको रोक रहा था जाने से, ठीक है। वुडंट लेट हर गो, यानी उसको जाने नहीं दे रहा था एनी फर्दर, मतलब कोई किस मतलब आगे, ठीक है। हाउ सी हेटेड दैट रोप, यानी वह काफ़ी क्या करती थी, हेट करती थी, नफरत करती थी उस रोप यानी रस्सी से। सी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर,
यानी जितने भी घास फूस या अनाज अबू खान उस बकरी चांदनी के लिए लाता था, वो चांदनी अब खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। नॉर और ना ही डिड सी लिसन टू हिज स्टोरी विद इंटरेस्ट, और ना ही अबू खान की स्टोरी को वो अच्छे से सुन रही थी। एंड और अफेक्शंस, ठीक है, सी लॉस्ट हर एप्टीट्यूड, वो क्या लॉस्ट कर दी थी, एप्टीट्यूड में तो होता है रुचि, ठीक है, या भूख, ठीक है, वो अपने रुचि उस अबू खान में क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी, ठीक है। ग्रू वेरी थिंस एंड स्टार्टेड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट, ठीक है, वो क्या कर दी, ग्रू थिंस, वो अब छोटी होने लगी, धीरे धीरे पतली होने लगी, ठीक है, थिन मींस पतला होता है। एंड स्टार्टेड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट, और वह अपने दिमाग से मूडली मतलब दिमाग से सोचने लगे कि मैं अब बात इन सनलाइट्स, मतलब अब मैं धूप में खड़ी होंगी तो उस हिल टॉप्स मानी उस पहाड़ वाले एरिया में ही होंगी, ठीक है। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंगेज, जो चांदनी की एंगेज थी वह क्या कर रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। एंगेज मींस होता है मानसिक वेदना, जो चांदनी के मानसिक यानी दिमाग में चल रहा था उन सारे हलचलों को, उन सारे चीज़ों को अबू खान जो था वो समझने में असमर्थ था कि आखिर में चांदनी को क्या चाहिए, मैं इसको खाना दे रहा हूँ, घास दे रहा हूँ, इसके बावजूद वो नहीं खा रही है, जब भी मैं उसको स्टोरी सुना रहा हूँ वो स्टोरी भी नहीं सुन रही है, ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में वो जो अबू खान था उसको बिल्कुल भी उसके मानसिक या दिमाग के बारे में समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। एट लास्ट यानी अंतिम में क्या होता है, सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, फ्रेंकली मीन्स होता है कोई भी बात किसी भी इंसान को डायरेक्टली बोलना, उसको बोलते हैं फ्रेंकली। इसके बाद चांदनी अपने दिमाग में सोचती हैं कि मैं अबू खान को अब डायरेक्टली अपने मन की बातें बोल दूंगी, ठीक है, मैं ये बोल दूंगी कि मैं अब इस चैन में या इस रस्सी में बंधकर नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे आज़ाद घूमना काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, डियर अबू खान, ऐसा कहती है सी सैड, चांदनी कहती है डियर अबू खान लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, कृपया करके मुझे उस पहाड़ी पर जाने दो, ठीक है। इफ़ आई स्टे ऑन योर कंपाउंड्स, अगर मैं इस तुम्हारे कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है एक छोटा सा जगह, ठीक है, जो एरिया, वो बोल रही है कि अगर मैं इस एरिया में यानी तुम्हारे छोटे से झोपड़ी में रहूँगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे छोटे से झोपड़ी में, ऐसा कहती है, ठीक है। नाउ अब अबू खान अंडरस्टैंड चांदनी प्रॉब्लम, अब अबू खान जो होता है चांदनी के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो समझ जाता है कि बस करो, अब इसका भी मन नहीं लग रहा, अब मुझे ये बकरी भी छोड़कर जाना चाहती है, जैसा कि पिछले जो बकरियां थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। तो अबू खान को अब दिमाग में आ जाता है सारी चीज़ें, वो समझ जाता है कि ये भी जो चांदनी बकरी है मुझे छोड़कर उस पहाड़ी एरिया में जाना चाहती है, ठीक है। बट लेकिन इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन ये सारे चीज़ें सुनकर या देखकर अबू खान काफ़ी दुखी हो जाता है, ठीक है। द अर्थ एन पॉट विच कंटेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, ठीक है, और वो जो अबू खान था क्या था, वो उस बकरी को क्या, अर्थन पॉट मतलब एक मतलब मिट्टी का मतलब बर्तन था, उसमें उसको ब्रेकफास्ट ले जा रहा था खाने के लिए। जैसे ये सारी बातें सुनता है तो क्या हो जाता है, उसके हाथ से छूटकर वो टूट जाता है। एंड ब्रोक इन टू द 1000 pieces, और कई हजार पीसों में वो टूट जाती है उसकी बर्तन जिसमें ब्रेकफास्ट होता है चांदनी के लिए। सो वाई डू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, ऐसा बोलता है अबू खान, पूछता है वाई डू वॉन्ट टू लीव मी, मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। अब इसके बाद चांदनी क्या कहती है, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड, यानी चांदनी ने कहा कि मैं उस पहाड़ पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप। अब इसके बाद कहता है, अब इसके बाद अबू खान कहता है कि डोंट यू लाइक द फूड हियर, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, आई गिव यू टेस्टियर फूड, मैं तुम्हें काफ़ी टेस्टी फूड दूंगा और तुम्हें क्या करूँगा, काफ़ी लंबे रस्सी में भी बांधूंगा, ठीक है, जहाँ से तुम कुछ दूरी तक घूम सकती हो, ठीक है, ऐसा अबू खान बोल रहा है। नो थैंक यू, इसके बाद वो बोलती है नहीं धन्यवाद, लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे उस पहाड़ पर जाने दो, ऐसा चांदनी बोलती है इसके बाद, ठीक है। तो आगे क्या होता है, डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऐसे बोलते हैं, क्या तुमको पता नहीं चल रहा, ठीक है, अबू खान कहता है क्या तुमको पता नहीं है कि कितना रिस्क है वहाँ पर जाना। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, देयर इज डेंजरस वॉफ इन द हिल, यानी उस पहाड़ी में क्या है, डेंजरस हिल है, काफ़ी खतरनाक भेड़िया रहता है, ठीक है, ही विल ईट यू अप, यह तुमको खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान उसको डराना काफ़ी देरी से उसको डरा धमका रहा था, लेकिन चांदनी को कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो सोच रही थी कि मुझे जाना है तो जाना ही है, ठीक है।
चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वॉल्फ। इसके बाद चांदनी कहती है कि भगवान ने मुझे दो सिंह दिए हैं और मैं उस भेड़िए से लड़ूंगी, ठीक है, ऐसा बोलती है। तो आगे क्या होता है, फाइट द वॉल्फ इंडिड, सचमुच, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कालुआ एंड वाज द साइज ऑफ बिग डिगर, यानी क्या तुम उस अपने सिस्टर यानी अपनी बहन की स्टोरी भूल गई हो, जिसका नाम एक बकरी था, जिसका नाम कलुआ था, ठीक है, वो भी मर गई थी। वो बोल रहा है कि क्या तुम उसकी स्टोरी मतलब भूल गई हो, वो भी मारी गई थी उस वॉल्फ यानी भेड़िया से, जो कि वो एक डियर मतलब एक हिरन की मतलब हिरन के मतलब साइज की थी, उसने मतलब वो भी मार दिया, ठीक है, यानी वॉल्फ जो था उसको भी मार दिया। सी फॉट द वॉल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, वह रात भर लड़ी लेकिन जो मॉर्निंग होते होते वह क्या हो गई, मर गई। अबू खान नरेट कालूज स्टोरी फॉर द 15th times, यानी जो अबू खान था वह कालू के कलुआ का स्टोरी जो उसकी बकरी थी 5 बार लगातार उसको बताता है, इसके बावजूद भी ये जो होता है समझ में नहीं आता है, ठीक है। देन क्या होता है, टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग्स टू सो, आई वॉन्ट टू गो टू हिल्स, यानी इन सारे चीज़ों के बारे में सुनने के बाद जो चांदनी के एक ही बात दिमाग में था कि वो सिर्फ पहाड़ी पर जाना चाहती है, ठीक है। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अनॉयड मीन्स होता है नाराज, ठीक है। अबू खान क्या होता है, अब काफ़ी नाराज हो जाता है ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि अबू खान काफ़ी पहले से उसको समझा चुका था, तो वो जो चांदनी थी उसकी बातें नहीं मान रही थी, वो सिर्फ डांटते जा रही थी कि मुझे उस पहाड़ पर जाना है या पहाड़ी पर जाना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं आज़ादी से घूमना चाहती हूँ। You are not going anywhere from today. You will live in a small hut. अबू खान इसके बाद कहता है कि तुम आज के बाद से कहीं भी बाहर नहीं जाओगी, ओके? और तुम इसी छोटे से झोपड़ी में रहोगी। And or not move about freely in the compound. और तुम इस कंपाउंड में भी फ्रीली यानी आज़ादी से नहीं घूम पाओगी आज के बाद से। Ungrateful as you are, You must still be saved from the wolf. यानी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा wolf यानी क्या wolf यानी भेड़िए से, ठीक है। You must still be saved. तुम्हें बचना होगा उस भेड़िए से, ठीक है। He paused her into a small hut. वह क्या किया, अपने छोटे से झोपड़ी में उस बकरी को बंद कर दिया। And shut the door. और दरवाजे को भी बंद कर दिया, ठीक है। But he forgot to close the small window. लेकिन वह अपने खिड़की को बंद करना भूल गया, ठीक है। गुस्से से उस बकरी को एक अपने छोटे से झोपड़ी में बंद कर देता है, इसके बाद वो दरवाज़ा भी बंद कर देता है। लेकिन एक रास्ता था जहाँ विंडो यानी छोटी सी क्या थी, खिड़की थी, वो खिड़की को बंद करना भूल गया था। द सेम नाइट चांदनी मेट दैट विंडो हार्ट पासिस टू फ्रीडम, ठीक है। यानी उस रात चांदनी जो थी उस खिड़की से कूद कर बाहर भाग गई, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। जो अबू खान था वो दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो खिड़की है ये बंद करना भूल गया था। और इसके बाद जो रात को होता है वो बकरी कूदकर इस रास्ते बाहर की तरफ भाग जाती है, ओके। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पढ़ते हैं इंट्रोडक्शंस, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, इसके बाद चांदनी जो होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, कहाँ पहुँच जाती है, हिल्स यानी पहाड़ी एरिया में पहुँच जाती है, ओके। She knew the wolf was somewhere there. वह जानती थी कि जो भेड़िया है हमारे यानी चारों तरफ है, मतलब इधर ही है, ठीक है, यानी आसपास में ही है। She was ready to put up a good fight. वह ready थी, ठीक है, तैयार थी उस भेड़िए से लड़ने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को आगे। चांदनी रिच द हिल्स, इसके बाद क्या होता है, चांदनी वहाँ से भाग कर रिच यानी हिल पर पहुँच जाती है। It seemed to her that the old hills were standing in row to welcome her. जब वहाँ पर वो चांदनी गई, उसको ऐसा लग रहा था कि जितने भी वहाँ के पहाड़ हैं, ठीक है, या पर्वत हैं, वो सारे एक लाइन में खड़े होकर उसका वेलकम कर रहे हैं। She felt like a child meeting her parents after years of separation. वह ऐसा महसूस कर रही थी अपने आप में कि जैसे कोई किसी का बच्चा अपने माता पिता से कई सालों बाद मिल रहा हो, ठीक है, अलग होने के बाद। When you were, जब भी, she went, जब वे गई, the tall grass roses to embrace her, यानी उसको ऐसा लग रहा था जो बड़े बड़े घास हैं वो उसको गले लगाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। The flower bloomed to amuse her and wind sung an endless song of welcome,
ठीक है। ऐसा उसको लग रहा था कि जो फूल है वहां के, उस पहाड़ी के फूल है, जो क्या कर रहे हैं, ब्लूम्ड यानी खिल गए हैं उसके स्वागत में, और स्वागत का गीत चल रहा है। ठीक है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज, यानी कितना अलग है ये सब, फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड, यानी अबू खान के छोटे से झोपड़ी से अगर कंपेयर करें तो कितना अलग था उसका दुनिया वहां पर। ठीक है, ऐसा ये चांदनी सोच रही है। ठीक है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनी लाइफ, चांदनी के पूरे जीवन में सबसे खुशी का दिन यह था, जब वो उस छोटे से खिड़की से भागकर जब उस पहाड़ी की ओर गई। ठीक है। दैट डे, उस दिन सी प्लेड फॉर आवर्स इन द ग्रासी स्लोप ऑफ द हिल्स, उस दिन क्या हुआ, वह छोटे छोटे घासों में मतलब कई घंटों तक खेली। सी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप। ठीक है। और वो खेलते खेलते एक बकरियों के ग्रुप से भी मिली, उस बकरियों के ग्रुप की जो मेंबर थी वो बोल रहे थे कि मुझे आओ ज्वाइन कर लो। ठीक है। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन जो चांदनी थी वह विनम्रतापूर्ण उसको रिफ्यूज यानी मना कर दी। ठीक है, कि मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आऊंगी। सो सी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ, वो अपने जीवन के जितने भी पल थे वह आज़ादी के साथ घूमना चाहती थी या बिताना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, इसका मतलब होता है कि अब शाम को सूरज डूब गया। एंड सून डार्कनेस इन वॉप द ग्रास, इसके बाद क्या होता है, जल्द ही सुन डार्कनेस यानी इन वॉप द ग्रास, और डार्कनेस जो था वह बढ़ता गया, मतलब अंधेरा होते गई। द फ्लावर एंड द ट्रीज, द विंड स्टॉप ब्लोइंग, और वो हवाएं जो थी वो बहना बंद हो गया, चलना बंद हो गया। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर स्ट्रेंज साउंड्स विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बसेस, यानी उसको एक ही चीज़ सुनाई दे रहा था उस रात में, ऐसा लग रहा था कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं झाड़ियों से, बसेस में से होता है झाड़ियाँ। ठीक है। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, जो साउंड था एक तरह से ग्रंट की तरह था। ठीक है, लड़खड़ाहट खनखनाहट की तरह उस झाड़ियों से आ रहा था। वॉट वॉज इट, इट वॉजेंट अबू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ऐसा चांदनी सोचती है कि आखिर में क्या है, ये अबू खान की आवाज़ नहीं है कि जो कि मुझे उस कंपाउंड में वापस बुला रहा है। देन चांदनी थॉट, इसके बाद चांदनी सोचती है ऑफ अ डेंजरस वॉल्फ, यानी उस मतलब खतरनाक भेड़िए के बारे में, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो उस पहाड़ी पर रहता था। सी फेल्ट स्केयर्ड, फेल्ट मतलब महसूस की, स्केयर्ड मतलब डर, इसके बाद वह कुछ डर महसूस की। उसके बाद क्या होता है, सी शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, नो सी सेड टू हर सेल्फ, यानी चांदनी का मन कर रहा था कि मुझे अबू खान के हट यानी झोपड़ी में फिर से लौट जाना चाहिए, मेरे लिए यही सेफ होगा, लेकिन वह अपने आप से कहती है नो मैं नहीं जाऊंगी। डेथ इन ओपन फील्ड फॉर बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, एक तरह से फेजे से कहावत है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते सब कि उस छोटे से झोपड़ी में जाना मतलब ठीक नहीं है, ठीक है, ताकि मैं मर जाऊं, इसका मतलब है कि उस छोटे से झोपड़ी में रहना क्या है, उस छोटे से झोपड़ी में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। डेथ इन द ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन द स्मॉल हट, यानी उस छोटे से झोपड़ी में रहना यानी रहना मर जाने से काफ़ी अच्छा है। ठीक है। द वॉफ हैड कम आउट ऑफ द बसेस, अब इसके बाद क्या होता है, वो वॉफ जो भेड़िया होता है वो आता है। ठीक है। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रेटिंग एट अ चांदली, एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रेटली, स्टेयरिंग मीन्स घूरना, ग्रेटली मीन्स लालचपूर। ठीक है। चांदनी को वो काफी लालची मन से घूर रहा था, वो सोच रहा था कि मेरा भोजन आ गया। ओके। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक अ बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, यानी जो उस भेड़िए के आँख थे चमक रहा था जैसे कि वह चांदनी में अंधेरे रात में चमकता है। ही सीम्ड इन नो हरी, वह जल्दीबाजी में नहीं था। ही न्यू, वो जानता था द न्यू गोट वॉज हिज, वह जानता था कि वो जो नई बकरी है अब वो मेरी है, अब वो कहीं भी बचकर नहीं जा सकती थी। द वॉफ एंड द गोट साइज्ड ऑफ इच अदर, जो उस भेड़िए का साइज और बकरी का साइज सिर्फ सेम बराबर ही था शायद। ठीक है। द वॉफ वॉज
बिग एंड फ्यूरियस फ्यूरियस वेयर इज द गोट, द वॉल्फ था जो काफी बड़ा था, ठीक है, देन बकरी से, द हेल्दी वॉज स्मॉल बट स्मॉल इज नॉट वीक, अगर वह बकरी स्मॉल है तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो क्या है, काफी वीक है या काफी कमजोर है। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स, लेकिन चांदनी जो थी वहां पर डट कर खड़ी रही, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जूटिंग आउट, यानी उसने जो चांदनी थी वो अपने सर को थोड़ा सा झुकाई, ठीक है, और अपने दोनों मतलब हॉर्न्स जो जोनो सिंह को क्या किया, जूटिंग आउट मतलब बाहर निकाली, ठीक है। सी वाज ए पिक्चर ऑफ अ करेज, वो एक तरह से काफ़ी करेज में थी, ठीक है, मतलब काफ़ी उसको कॉन्फिडेंस में थी। सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर्स रेडी टू फाइट अ ट्रीचरियस एनिमी, ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी बहादुर एक सिपाही की तरह खड़ा है अपने दुश्मन को मारने के लिए। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, अब वो चांदनी सोचती है कि मुझे जरूर फाइट करना पड़ेगा इस भेड़िए से, चांदनी थॉट ऐसा सोचती है। सक्सेस और फेलियर इज मैटर ऑफ लक और चांस, जो सक्सेस होगा या मैं जीत जाऊं या हार जाऊं ये तो लक पर मतलब लक पर डिपेंड करता है या चांस पर डिपेंड करता है, ऐसा वो सोचती है। सो द फाइट बिगिन, इसके बाद क्या होता है, दोनों में लड़ना या फाइट बिगिन यानी चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये मतलब फाइट जो होती है पूरी रात चलती रहती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो मून यानी जो आकाश में चंद्रमा था उन सारे उन दोनों वॉफ के बीच, ठीक है, भेड़िए के बीच उस बकरी के बीच उस फाइट को देख रहा था। बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक है, इसके बाद वो जैसा ही बढ़ता गया इसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, जो वो मून होता है वो क्लाउड यानी बादलों के पीछे छिप जाता है। द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपीयर वन बाई वन, और इसके बाद जो स्टार थे वो भी एक बाई एक मतलब करके क्या होते गए, डिसअपीयर मतलब वह भी छिपते गए। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर कम फ्रॉम द डिस्टेंस मॉस्क, इसके बाद क्या हुआ, सारे जितने भी स्टार थे वो डिसअपीयर्ड हो गए, अब धीरे धीरे क्या हो गया, शुरू होना मतलब सुबह होना शुरू हो गया। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सात चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी जब पहली किरण आती है धरती पर, ठीक है, या पहली किरण जब इस बकरी के ऊपर पड़ती है तो वो क्या होती है, लेइंग ऑन द ग्राउंड मतलब वह जमीन पर क्या होती है, लेटे हुए दिखती है। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन अ ब्लड, यानी जो ये बकरी थी वह खून से पूरी लथपथ थी। द वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो वॉल्फ जो भेड़िया था वो भी काफ़ी थक गया हुआ था और वो स्लीपी मतलब सो रहा था, ठीक है, वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, और वो अब इस बकरी को खाने ही वाला था, ठीक है, डेवर मीन्स खाना या क्या करना, भक्षक करना, ठीक है। एन असेंबली ऑफ अ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, यानी उसी पेड़ पर उसी के जहाँ पर फाइट हो रहा था वहाँ पर पेड़ थे, ठीक है, उस पेड़ पर कुछ पंछियाँ बैठकर क्या कर रही थी, उस डिबेट कर रही थी उस फाइट का कि कौन जीता कौन हारा, हु इज द विनर, यानी कौन जीता। वन ऑफ देम आस्क्ड द वॉल्फ ऑफ कोर्स, यानी एक पूछता कि हु इज द विनर मतलब इनमें से कौन जीता, तो एक मतलब चिड़िया बोलती है द वॉल्फ यानी कौन, भेड़िया। मोस्ट ऑफ देम सेड, ढेर सारे लोग कहें कि भेड़िया ने मतलब इस लड़ाई को जीत लिया है। अ वाइज वर्ल्ड बर्ड डिक्लेम विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर, इसके बाद एक ओल्ड बर्ड कहती है कि ये जो फाइट है कौन जीती है, चांदनी, ठीक है, चांदनी इज द विनर। ओके, तो यहाँ पे स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।